तो दोस्तों आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो कोरल ड्रा में फ्लेक्स बैनर का साइज कैसे लगाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना कोरल ड्रा ओपन कर लीजिए, इस तरह से एक नया पेज ले लीजिए। तो जहाँ पे देखिए पेज जो है ओपन हुआ है, ये नॉर्मल पेज जो है लेटर साइज़ में ये ओपन हुआ है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जो साइज़ आप जो है बैनर और फ्लेक्स के लिए लेते हैं, यहाँ पे आप साइज़ वाले ऑप्शन पे आएंगे, इंच देखिए यहाँ इंच जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। तो फ्लेक्स बैनर में जो साइज़ हम लोग लगाते हैं वो फीट में लगाते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्स बैनर बनते हैं वो फीट में बनते हैं, जैसे 6x3, 8x4 इस तरह से बनते हैं। तो फीट यहाँ पे हम लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी साइज़ फ्लेक्स बैनर का लगाना है उसको यहाँ पे आप जो है ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सबसे बड़ा साइज़ सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ 20x10 का जो है साइज़ मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब 20x10 का यहाँ पर देखिए इस तरह से पेज पूरा बन गया है। तो दोस्तों देखने में ये लीगल साइज़ लग रहा है, लेकिन ये 20x10 का जो है फिट में जो है ये पेज लगा, वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, और ये कंप्यूटर में आपको देखने में लग रहा है बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे इस तरह से आप एक बॉक्स ले लें 20x10 का, और यहाँ पे इसको किसी भी कलर से फिल कर लें। तो दोस्तों मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि जब बड़ा साइज़ होगा, जैसे 10x20 का 20 फीट का जो फ्लेक्स होगा, तो वो कॉर्नर पे बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, जब आप फीट में लगा लेंगे तो आपको नॉर्मल साइज़ ही दिखेगा, जैसे कि लीगल या FS दिखता है इस तरह से दिखेगा, और उसकी जैसे आप नॉर्मल डिज़ाइन करते हैं उसी तरह से आपको डिज़ाइन भी करना है। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स और इमेजेस हैं जिसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस तरह से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि डिज़ाइन जब आप करेंगे तो एकदम नॉर्मल तरीके से ही डिज़ाइन होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही बड़ा साइज़ है तो उसमें बहुत कुछ कुछ अलग से करना पड़ेगा और स्क्रीन पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है मैंने निकाली है, अब इसको मैंने जब बड़ा कर लिया तो ये 10 फीट की इमेज लगभग हो गई है, और देखने में ये नॉर्मल लग रहा है कि आप कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर रहे हैं और ये FS या लीगल साइज़ में लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये 10x20 का साइज़ है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये 10x20 फीट का जो है या बैनर समझ लीजिए बन रहा है बैनर, और एक तरह से होल्डिंग इसको कहते हैं, 10x20 की जो होती है वो होल्डिंग होती है जिसमें एडवर्ट जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटी पार्लर, जैसे किसी ब्यूटी पार्लर का किसी को ऐड होर्डिंग बनवानी है तो इस तरह से जो है बना सकते हैं, या फिर किसी ज्वेलरी शॉप की जो है ऐड एडवर्टीजमेंट के लिए जो है लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप डायरेक्ट बैकग्राउंड को निकाल लें गूगल से, इस तरह से लगा लें, तो इस तरह से होर्डिंग बनती है। आपने देखा होगा कई बार प्रचार प्रसार के लिए लोग लगाते हैं, तो ये 10x20 की होर्डिंग इस तरह से बनती है, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, नॉर्मल तरीके से ही होता है। यहाँ पे मैंने इंच लगा लिया, तो अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 240x120 इंच का ये फ्लेक्स है, होर्डिंग है। अगर इंच में आप लगाएंगे तो इंच में भी आप लगा सकते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो उस तरीके से देखिए कि आप इंच में भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, फीट और इंच दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से फिट कर लेता हूँ, फिट लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं साइज़ कोई दूसरा साइज़ लगा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 10x5 का लगा लेता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अब 10x5 का ये पेज हो गया। अब बगल में आपकी जो ये 20x10 की होल्डिंग का साइज़ रखा हुआ है, और यहाँ पे ये 10x5 का साइज़ हो गया। तो इस तरीके से साइज़ आप जितना जो भी चाहें वो साइज़ आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी देख सकें। तो यहाँ पे आप छोटा बड़ा साइज़ जो भी करना चाहें फीट में कर सकते हैं, 4x8, 6x3, 2x4 इस तरह से आप जो भी साइज़ लगाना हो आप फीट में लगा सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिज़ाइन नॉर्मल तरीके से ही आपको करना है। आपको कुछ ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा तो हम कोरल में डिज़ाइन कैसे करेंगे, कुछ नहीं है सर, आप फीट लगाएंगे आपको नॉर्मल साइज़ ही दिखेगा, आप डिज़ाइन बना के फ्लेक्स वाले को दे देंगे, वो आपका प्रिंट आउट निकाल के दे देगा आपको उसी साइज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे आप फीट और इंच दोनों में लगा सकते हैं, आपको जो भी सही लगे, अगर आप इंच में लगाना चाहें तो इंच में लगा लें, मैं फीट में ही लगाता हूँ, और आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, फीट में वो ज़्यादा आसान रहता है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। ओके दोस्तों, बाय।